नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एमपी। हर रोज देश भर से सड़क हादसों की खबरें सामने आती रहती है और यही कारण है कि सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही करना नहीं छोड़ते हैं और वाहन पर सवार होते ही उसको खिलौना समझ बैठते हैं। यही भूल उनकी मौत की वजह बन जाती है। अधिकतर घटनाएं या तो वाहन तेज स्पीड में चलाने से होती है या फिर गलत रास्तों से वाहन ले जाने के कारण ही होती है। इसी से मिलता जुलता मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां देर रात हुए सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा इतना खौफनाक था कि अगर कोई भी मौके पर मौजूद होता तो उसकी रूह कांप जाती, जिसके बाद अब सड़क हादसे के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार देवास की ओर तेजी से दौड़ती आ रही है। एक कार उसके आगे निकलती है और पीछे से लगभग 150 की स्पीड में दौड़ रही कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है, यानी एकदम से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर मात्र 3 सेकंड के अंदर पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। दरअसल घटना इंदौर की है, जहां सोमवार देर रात हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 लोगों ने तो मौके पे ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उन दोनों की भी मौत हो गई। सभी युवक इंदौर के ही रहने वाले हैं और मात्र 3 सेकंड में सड़क किनारे खड़े टैंकर में समा जाती है कार। इसीलिए सड़क पर गाड़ी धीरे चलाएं और सुरक्षित रहें। कुछ समय की देरी भली सही, लेकिन जान से हाथ धो बैठना नहीं पड़ेगा। सतर्क रहें, सावधान रहें। सड़क पार करते हुए भी दाएं और बाएं दोनों तरफ देखकर ही चलें। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।